क्योंकि छत्तीसगढ़ भाजपा की वृहद प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक चल रही है। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आज अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति के अलावा मंडल अध्यक्ष और पंचायत स्तर तक के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया। छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री और जो जिस विभाग का मैं केंद्रीय मंत्री हूं उसी विभाग को छत्तीसगढ़ शासन में आप देख रहे हैं माननीय अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माने विजय शर्मा जी और यहां के अपने सांसद हैं, इनका भी मेरा एक संबंध है क्योंकि हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी जो पूर्व में मंत्री रहे, हरियाणा का हमारा संबंध है, आप भी हरियाणा से, पूर्वजों का संबंध हरियाणा से ही है, छत्तीसगढ़ के अपने अभी यहां के सांसद हैं। अधिकारीगण, विधायकगण और सभी आत्मीय कार्यकर्ता बंधु मित्रों, ये ठीक बात है कि छत्तीसगढ़, ये मेरा कई बार पहले आना हुआ लेकिन पार्टी के नाते से आना हुआ, आज मैं सरकार के नाते भी आया हूं और पार्टी के नाते भी आया हूं। सरकार के नाते अभी दोनों विभागों की एक इससे पूर्व शासन के अपने बंधुओं के साथ जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित थे मीटिंग करके आए हैं, तो यहां की ऊर्जा संबंधी सब विषय और जो शहरी विकास के मामले जितने थे उनके ऊपर हमने विचार किया। लोकसभा के चुनाव के बाद आपका भी, आपके विधानसभा का चुनाव पिछले दिसंबर में हुआ है, दोनों में ही आपने को जीत मिली है, मैं इन दोनों जीत पर आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। साथ ही लोकसभा में जो जीत हुई उस जीत की विशेष बातें अपने ध्यान में जरूर आई भी होंगी, फिर भी मैं दोहरा रहा हूं कि 60 साल के बाद, 62 साल के बाद रहकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये एक रिकॉर्ड उस समय का बराबर किया। या तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में, 57 में और 62 में प्रधानमंत्री बने थे, और या फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी 2014, 2019, 2024 में बने हैं। लेकिन बड़ा अंतर प्रधानमंत्री बनना बहुत नहीं होता था क्योंकि देश आजाद होने के बाद बिना चुनाव के ही एक प्रधानमंत्री बनकर के और सरकार बनाने में कामयाब इसलिए हुई कि उन्होंने अपना अधिकार मान लिया कि जैसे देश पर शासन का अधिकार उन्हीं का है। हालांकि अलग बात है कि उस समय गांधी जी ने कहा था कि देश आजाद हो गया है, आजादी की भूमिका में कांग्रेस का एक स्थान उस समय रहा और अपना उद्देश्य पूरा हुआ, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए और लोग जो है अपने अपने समूह बनाकर के अलग से पार्टियां बनाएंगे और वो पार्टियां लोकतंत्र के पद्धति से सरकार बनाने में आगे जो भी आएगी वो सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री बनाएंगे, उस पर प्रधानमंत्री बन गए, कोई चैलेंज